वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आलू की कचौरी की रेसिपी। मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए बॉइल्ड मैश्ड आलू, भुना हुआ आटा और मैदा। मिक्स करके आपको भूनना है या तो दही में या फिर बेकिंग पाउडर में, जिससे कि थोड़ा सा वो फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। और आपको चाहिए होगा तेल फ्राई करने के लिए या रिफाइंड जीरा आप यूज कर सकते हैं, नमक हल्दी और लाल मिर्च आपको चाहिए होगी, धनिया चाहिए होगा, कटी हुई ऑनियन, कटा हुआ लहसुन, अदरक और कटी हुई बारीक मिर्च। ये सब आप अपनी चॉइस से यूज कर सकते हैं। कई लोग सिंपल आलू का मैश करके ही और उसमें मसाला डाल के सिंपल आलू की कचौरी वैसे भी बनाते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कढ़ाई में गैस तेल गर्म होने को रख देना है फ्राई करने के लिए। तेल गर्म होने का वेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें हमने डालनी है बारीक कटी हुई प्याज, हल्की सी आप लहसुन यूज कर सकते हैं, अदरक, मिर्ची और आपने मसाले यूज कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग, मिर्ची, नमक स्वादानुसार, हल्दी हल्की सी, हल्दी आपकी चॉइस है। अगर नहीं भी यूज करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से धनिया डाल दें और इन्हें अच्छे से आपने मैश कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब तक तेल गर्म हो रहा है आटे का पेड़ा ले रही हूँ इस तरह से, और हल्का सा इसको आटे में डिप करके इस तरह से आपने थोड़ा सा शेप बना लेना है, ठीक है। और अब हम इसे फिल करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि फट सकता है आटा तो कम आलू यूज कर लें, क्योंकि आलू की कचौरी थोड़ी सी मुश्किल होती है इस तरह से। अगर बेल सकते हैं तो बेल लें, नहीं तो ना फटने के लिए आपको हाथ से बेल लेंगे तो इजी हो जाएगा। ये देखिए, अगर हाथ से नहीं हो रहा हो तो आप इस तरह से हल्का हल्का बेलन भी चला सकते हैं। इसको आपने गोल शेप देनी है इस तरह से। चेक कर लेते हैं तेल गर्म हो रहा है या नहीं। तेल लगभग गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें इसे फ्राई करने जा रही हूँ इस तरह से। जैसे ही आपकी एक साइड लाइट ब्राउन हो जाएगी इसे पलट दें। मैं इसे पलट ले रही हूँ इस तरह से। आपकी जो कचौरी है जब पक जाएगी तो वो हल्की हल्की फूल जाएगी। दोबारा से पलट के देखिए इस तरह से, देखिए हल्की हल्की फूल रही है। अच्छे से लाइट ब्राउन होने दे। देखिए ये आपकी फूल गई है पूरी दोनों तरफ से। देखिए कितनी ज्यादा, मैंने कहा था जब ये पक जाएगी तो फूलेगी और ज्यादा फूलेगी, बिल्कुल फ्लफी सी हो जाएगी। और यही एजम्पशन होता है कि आपकी कचौड़ी एकदम तैयार है। हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। इसे आप चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं। मैं सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है कचौरी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी, हमें जरूर बताएं। आप कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।